हाय दोस्तों, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.4 से। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है फैक्टराइज। ये आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। आपको इसे फैक्टराइज करना है। अब क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो आप देख रहे हैं वो 3 है, तो इसके आपके 3 फैक्टर्स होंगे। और 3 फैक्टर्स इसके निकलेंगे आपके। सबसे पहले तो आपको इसमें क्या करना है कि ये जो लास्ट में कांस्टेंट नंबर है, इसके फैक्टर्स देखने हैं कि इसके फैक्टर्स क्या हैं। जैसे कि ये कांस्टेंट आपका 2 है, तो ये 2 आपका कांस्टेंट है इसके अंदर, तो 2 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 के पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं आपका प्लस 1, माइनस 1, प्लस का 2, माइनस का 2, ये 4 हो सकते हैं। अब इन 4 को मैं पॉसिबल 0 मान के इस पॉलिनोमियल में बारी बारी से रखूंगा, और जब आपका आंसर 0 आ जाए, यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाए, तो हम मान लेंगे कि वो जो है आपका इस पॉलिनोमियल का 0 है। और जब 0 पता चल जाता है, तो उसका साइन उल्टा करके आपका फैक्टर पता चल जाता है। तो सबसे पहले मैं प्लस 1 को पुट करके देखता हूँ इस पॉलिनोमियल में। तो मान लीजिए ये आपका पॉलिनोमियल पी एक्स है, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। मैं यहाँ एक्स की जगह पे पहले 1 पुट करके देखता हूँ, तो 1 का क्यूब माइनस टू, फिर 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1 और प्लस टू। 1 का क्यूब आपका 1 होता है, इधर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 1 टू ज़ार 2 माइनस का 2, यहाँ माइनस 1 हो गया आपका, और ये प्लस 2। प्लस 2 माइनस 2 से कैंसिल हो गया, प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल हो गया, यानी कि आपका 0 आ गया। तो इस बात का ये मतलब है कि प्लस 1 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 है। अब अगर प्लस 1 इसका 0 है, तो ये बात प्रूफ हो जाती है, देयरफोर एक्स माइनस 1 इज अ फैक्टर। तो एक्स माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो एक फैक्टर तो पता चल गया। अब इसके अंदर आपके 3 फैक्टर हैं, बाकी के जो 2 फैक्टर्स हैं वो पता चलेंगे आपको इसे डिवाइड करके। इस पॉलिनोमियल को आप डिवाइड करेंगे अपने इस फैक्टर से जो आपका पता चला है, यानी कि x माइनस 1 से। पॉलिनोमियल यहाँ लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। अब इसे डिवाइड करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप ये देखते हैं कि आपकी इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है। पहले तो इसका लिखने का तरीका ही देख लेते हैं कि क्या ये प्रॉपर ऑर्डर में है। इनकी डिग्री डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, एक्स क्यूब यहाँ पे, फिर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वन है, फिर विदाउट एक्स की टर्म में। तो यानी ये ऑर्डर ठीक लिखा हुआ है। यहाँ पे भी आपका ऑर्डर ठीक है, पहले एक्स की पावर 1 है, फिर नॉन एक्स है। अब हर बार आपको इसमें से एक टर्म को कैंसिल करना होता है। तो सबसे पहले आपको एक्स क्यूब कैंसिल करना है, यानी एक्स माइनस 1 की आप किससे मल्टीप्लाई करें ताकि आपका एक्स क्यूब आ जाए। शुरू में एक्स है यहाँ पे, तो आपको एक्स स्क्वायर चाहिए। एक्स स्क्वायर की एक्स से करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपका एक्स क्यूब आ जाएगा। तो पहला नंबर पता चल गया एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से आपको एक्स माइनस वन बारी बारी मल्टीप्लाई जब करेंगे, तो पहला टर्म तो वही आएगा जो आपको चाहिए, और दूसरा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि माइनस 1 एक्स स्क्वायर। ये 2 टर्म आ गई हैं। एक्स क्यूब को एक्स क्यूब के नीचे लिखेंगे, और स्क्वायर वाले टर्म को आप स्क्वायर के नीचे लिखेंगे। फिर इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, इनका साइन उल्टा हो जाता है। ये आपका प्लस है, माइनस हो गया, माइनस है, ये आपका प्लस हो गया। तो ये टर्म प्लस माइनस आपकी कैंसिल हो गई। यहाँ पे माइनस का 2 और प्लस का 1, आपका माइनस 1 बन गया, और एक्स स्क्वायर। बाकी जो ये 7 हैं, इन्हें आप एज इट इज कॉपी कर देंगे।
अब इस बार आपको क्या कैंसिल करना है, -1x2। तो फिर से वही तरीका है, पहले तो आप अपना ये टेबल लिख लीजिए जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, और फिर देखिए कि x के साथ क्या मल्टीप्लाई कर दें ताकि आपका -1x आ जाए। तो एक तो -1 चाहिए और एक चाहिए आपको x, तो ये हो जाएगा -1x2। और दूसरी टर्म क्या हो जाएगी, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 1 ज़ार 1 और x, तो यानी इस बार आपको इसको -1x से मल्टीप्लाई करेंगे और आपकी ये दो टर्म आ जाएंगी, -1x2 और +1x। फिर इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का साइन उल्टा होके प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन उल्टा होके माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस सेम टर्म है आपकी, कैंसिल हो गई। यहाँ पे माइनस का 1 और ये भी माइनस का 1 ही है, इसका कोफिशेंट जब कुछ नहीं होता है तो वो 1 होता है, तो -1 और -1 आपके -2x हो गए। ऊपर से +2 को एज इट इज कॉपी कर दीजिए। अब आपको कैंसिल करना है -2x, फिर से आप अपने ऐसे टेबल लिख लेना रफ में, और देखना कि x के साथ क्या मल्टीप्लाई करके आपका -2x आता है। तो एक तो आपको 2 चाहिए और ये माइनस का चाहिए, यानी इस बार आप इसे -2 से करेंगे, तो पहली टर्म आपकी वो आ जाएगी जो आपको चाहिए, और दूसरी टर्म देखिए क्या आएगी, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और 2 1 ज़ार 2 हो गया, तो ये +2 आ गया, इसे आप नंबर के नीचे लिख देंगे ऐसे। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का साइन प्लस हो जाएगा उल्टा, प्लस का माइनस हो जाएगा, ये कट गया आपस में प्लस माइनस, ये कट गया आपस में, आपका आंसर आया 0, रिमाइंडर। इसमें आपका हमेशा जो रिमाइंडर आएगा वो 0 ही आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो समझ लेना कि आपसे कहीं पे कोई गलती हो रही है। अब ये जो आया है प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट बोलें, ये जो इसका आंसर आया है डिवाइड करके, ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके अंदर आपके दो फैक्टर्स छिपे हुए हैं, और वो फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, अब इसको आपको फैक्टराइज करना है, यानी कि x2 -1x -2 को अब आप फैक्टराइज करेंगे, और ये बिल्कुल उसी तरह फैक्टराइज होगा जैसे आपके क्वेश्चन 4 में हुए थे, स्प्लिटिंग मिडल टर्म से। तो इसका क्या रूल होता है, सबसे पहले ये होता है कि x2 का कोफिशेंट जो कि इसमें 1 है और कांस्टेंट टर्म जो कि इसमें 2 है, इनका प्रोडक्ट करते हैं, तो 2 1 ज़ार आया आपका 2। और 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 और 1 ही होते हैं, तो 2 और 1 को यूज करके आपको -1 बनाना है जो कि बीच का है, x का जो कोफिशेंट है। -1 कब बनेगा, जब आप 2 को तो लेंगे माइनस का और 1 को लेंगे आप प्लस का, क्योंकि प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट होके आपका -1 आ जाएगा। तो ये जो कॉर्नर वाली टर्म्स होती हैं ये बिल्कुल ऐसे ही लिखी जाती हैं, और -1x को आप लिख देंगे -2x और +1, 1 लिखें या 1x, इसमें 1 लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है। और फिर इनमें कॉमन लेते हैं, कॉमन आएगा आपका x यहाँ से इन दो में से, तो यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ पे आपका 2 बच जाएगा। अब जो दूसरा जो ये ब्रैकेट आता है ये भी आपका सेम टू सेम आएगा, यहाँ पे x -2। अब x यहाँ पे आपको 1x चाहिए तो मल्टीप्लाई किससे करना है, +1 से, यानी कि इन दोनों में से आपका +1 कॉमन है। इसके बाद ये जो टूटे हुए नंबर्स हैं इन्हें आप एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, और ये जो दो सेम आए हैं इन्हें आप एक ब्रैकेट में एक बार लिख देते हैं, तो इसके ये दो फैक्टर्स आ गए। तो फाइनली आपका ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसके 3 फैक्टर्स आ गए, तो आंसर हुआ आपका, एक तो फैक्टर शुरू में ही निकल गया था x-1, और 2 आपके यहाँ से निकल गए x+1 और x-2।
ये आपका आंसर है। इसी तरह का आपका सेकंड पार्ट है, चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसमें लास्ट में आप 5 देखेंगे, तो 5 जो है आपका कांस्टेंट टर्म है, 5, और 5 के फैक्टर्स क्या होते हैं, प्लस 1 हो सकता है, माइनस 1 हो सकता है, प्लस का 5 हो सकता है, माइनस का 5 हो सकता है। इसको मैं px मान लूँगा, लेट करके 3x² माइनस 9x माइनस 5। अब मैं इसमें से ऐसा क्या नंबर भरूं ताकि मेरा 0 आ जाए, तो देखिए 1 भरने से तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस 1 होगा, यहाँ माइनस 1 होगा, यहाँ माइनस 9 हो जाएगा, यहाँ माइनस 5, सारी टर्म आपकी माइनस की हो जाएंगी। तो इस बार माइनस 1 भर के देखते हैं, तो माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 और ये माइनस 5, ये आपका माइनस 1 हो गया, ये माइनस तो हो गया प्लस और ये माइनस 3, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 9 माइनस 5, प्लस के नंबर आपके 9 हैं और माइनस वाले भी आपके 9 बन गए, रिमाइंडर आपका आ गया 0। तो इसका मतलब ये है कि इसमें आपका जो 0 है वो तो माइनस 1 है, और अगर 0 माइनस 1 आ गया तो आपका फैक्टर क्या बन जाएगा, इसका साइन उल्टा करके लिख देंगे x के साथ में, यानी कि x प्लस 1। अब एक फैक्टर तो पता चल गया, बाकी के दो निकलेंगे आपके डिवाइड से, बिल्कुल सिंपल उसी तरह से लास्ट क्वेश्चन वाले की तरह। डिवाइड करना है आपको अपना पॉलिनोमियल, तो इसे अंदर लिखेंगे, जिससे डिवाइड करना है उसे बाहर लिखेंगे। चलिए अब डिवाइड करते हैं। देखिए आपके पास x है, आपको x क्यूब बनाना है, तो सिंपल आपको x स्क्वायर चाहिए। अब x स्क्वायर से जब इसे करेंगे तो आपका x क्यूब आएगा, और x स्क्वायर से जब 1 को करेंगे तो ये आपका प्लस 1 x स्क्वायर आ जाएगा। साइन चेंज करेंगे तो प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, ये टर्म आपकी कैंसिल हो गई, माइनस 3 माइनस 1 आपका माइनस 4 हो गया, माइनस 4x स्क्वायर। ऊपर वालों को एज इट इज़ आप कॉपी कर देंगे। इस बार आपको बनाना है माइनस 4x स्क्वायर, आपके पास क्या है x, तो एक तो आपको माइनस 4 चाहिए और x स्क्वायर बनाने के लिए एक x चाहिए, तो इसको जब इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस 4x स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस 4x को जब 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आपका माइनस 4x बन जाएगा। फिर वही सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस का प्लस, ये सेम टर्म है कैंसिल होगी, यही टारगेट होता है इनमें, आपको एक टर्म एक बारी में कैंसिल करनी होती है। माइनस 9 प्लस 4 आपका माइनस 5x हो गया, और माइनस 5 को आप कॉपी कर देंगे। अब आपको बनाना है माइनस 5x और है आपके पास x, तो यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे इस बार आप माइनस 5 से, तो पहला टर्म तो आपका माइनस 5x ही आ जाएगा, और दूसरा माइनस 5 इंटू 1, ये आपका माइनस 5 आ गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का प्लस, कैंसिल हो गया सेम टर्म, कैंसिल हो गया सेम टर्म, उल्टी सीधी साइन के साथ में 0 आपका रिमाइंडर, तो 0 तो आना ही था रिमाइंडर। अब ये जो आपका आया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, स्प्लिटिंग मिडल टर्म करेंगे तो वही तरीका है, 5 वन ज़र 5 और 5 वन ज़र 5 तो आ गया, 5 और 1 को यूज करके आपको बनाना है माइनस 4, वो कब बनेगा जब आपका माइनस का 5 होगा प्लस का 1 होगा, यानी बीच वाली टर्म को आपको इन दो नंबरों में तोड़ना है। तो एक्स स्क्वायर 1 को मैं पहले लिख लेता हूँ प्लस 1 को, माइनस 5 को मैं आगे लिख लेता हूँ माइनस 5,
ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि मेरा 5 5 के पास आ जाए, 1 1 के पास आ जाए। इसे आगे पीछे लिखने से आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉमन लेते हैं, इनमें आपका x कॉमन आता है, यहाँ से x बच गया, यहाँ से 1 बच गया। इनमें आपका -5 कॉमन आ रहा है, यहाँ से x बच गया, यहाँ +1 बच गया। टूटे हुए नंबरों को एक साथ लिख देंगे और सेम ब्रैकेट को एक बार लिख देंगे, तो ये आ गए आपके बाकी के 2 फैक्टर्स। तो फाइनल आंसर आपका क्या बन गया, एक तो शुरू में ही निकल गया था फैक्टर x प्लस 1, और 2 ये आ गए आपके, एक x माइनस 5 और एक x प्लस 1। ये 3 फैक्टर्स आ गए इसके आपके। इस तरह से ये क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, क्योंकि ये बड़े नंबर में आते हैं आपके, 3 या 4 नंबर में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोनों पार्ट। इसके जो नेक्स्ट 2 पार्ट हैं वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और 9th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।